नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज अप टू डेट पर। यहाँ पे मैं नए नए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से होते हैं, या आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब दे देता हूँ, जितना मुझे आता है उतना बता देता हूँ। इस तरह ज्ञान बांटते हैं तो ज्ञान बढ़ता भी है। तो हमारे एक साथी विशाल जैन साहब पूछ रहे हैं कि HAD स्विच क्या है और क्यों लगाया गया है। तो देखो, H का मतलब है स्विच, A का मतलब एयर, D का मतलब ड्रायर। तो सीधी सी बात है, जैसा इसका नाम वैसा ही काम, ये एयर ड्रायर का स्विच है। तो इसको क्यों लगाया गया है, कभी हमें एयर ड्रायर को आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़े तो इसके द्वारा हम एयर ड्रायर को आइसोलेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे एयर ड्रायर को तो आइसोलेट करने के लिए कॉक लगे हुए हैं A और B, यानी कि नॉर्मल में जब वर्किंग में रहता है एयर ड्रायर तो A और B कॉक खुले रहते हैं। एयर ड्रायर के अंदर घुसता पाइप वहाँ से होके बी से होके निकल जाता है, और एयर ड्रायर को आइसोलेट करना तो A और B को बंद कर देते हैं, सी को खोल देते हैं ताकि डायरेक्ट प्रेशर चला जाता है। तो ऐसे हमारे पास में आइसोलेटिंग कॉक तो लगे हुए हैं एयर ड्रायर के पास ही, वहाँ से हम एयर ड्रायर को जब चाहें तब आइसोलेट कर सकते हैं। तो फिर ये HAD क्यों लगा दिया गया। देखिए, एयर ड्रायर की जो बनावट होती है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों आइटम उसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल ये प्रेशर घुसा और बाहर निकल गया, नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी दो टावर होते हैं। तो बारी बारी से एक एक टावर सर्विस में आता रहता है, और एयर ड्रायर को बैटरी से सप्लाई मिलती है। उसके अंदर मैग्नेट वाल होता है जो ऑपरेट होता है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है। तो क्या उसकी बनावट ऐसी है, उसकी डिज़ाइन में फिर आपको ज़्यादा जानना, तो उसकी डिज़ाइन के अंदर जाना पड़ेगा उसमें कैसे क्या करता है। लेकिन आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि जब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही है, कभी एयर ड्रायर में कोई कॉइल, जो इलेक्ट्रिक कॉइल तो होती है सप्लाई जा रही है, तो वो कभी जल गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर CCAB मेल्टिंग चालू हो जाएगा, जहाँ से सप्लाई आ रही है वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार फेलियर पैदा होगा। तो उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल कट पैदा करना भी जरूरी है। तो जब एयर ड्रायर को इलेक्ट्रिकली हमें आइसोलेट करना हो तो HAD स्विच को 0 पर रख देंगे, और बाकी मैकेनिकली यानी कि न्यूमेटिकली तो हम कॉक के द्वारा आइसोलेट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि HAD स्विच क्यों लगाया गया है और किसका स्विच है। ये कई लोगों में TV पैनल पर भी रहता है, कई में कैब 2 के पीछे भी लगा सकते हैं, कोई लोकेशन वो तो मालूम पड़ जाता है, 0 और 1-2 पोजीशन होती है इसकी। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो जमा कर रखे हैं, वो एक एक करके आप वीडियो देख लीजिए। जो वीडियो आप देख लेते हैं उसको लाइक कीजिए, लाइक करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये वीडियो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि लाइक के बटन का कलर चेंज हो जाता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और इस तरह एक एक वीडियो आप देखेंगे तो आपका नॉलेज परफेक्ट हो जाएगा। आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना है तो वीडियो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था 18वें अध्याय में, फिर कहा कि अब अर्जुन तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो। तो मैंने भी आपको बता दिया, आपकी इच्छा हो तो देखो, आपकी इच्छा हो नॉलेज प्राप्त करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हर वीडियो में कुछ कुछ नया जरूर मिलता है। कई लोग उस टॉपिक को देख के ऐसा सोचते होंगे, अरे यार ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हर एक वीडियो में कोई ना कोई नई बात बताता रहता हूँ, इसलिए आप एक एक करके जब सब वीडियो देखेंगे तो आपका नॉलेज अवश्य परफेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।